है बहुत कमाल की होने वाली है। और उसके साथ एक और कमाल की बात, इसे आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो गाइस इस वीडियो को करने के लिए हमें चाहिए एक पेन, ये आप देख सकते हैं ये एक 3 रुपए वाला बॉल पेन है, और हमें चाहिए ये नीम के पत्ते, आप कोई सा भी पत्ता ले सकते हो। गाइस यहाँ पर पीछे बहुत सारा पानी है आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस पहले तो हमें ये जो घास है हम इसे थोड़ा सा हटाते हैं। गाइस हम इसमें से नीम का एक लीफ तोड़ लेते हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं ये नीम का पत्ता है। और अब हमें बॉल पेन की जो ये नोक होती है इसे निकालनी है। चलिए गाइस इसे निकाल लेते हैं। गाइस ये देख सकते हैं इसका कोई काम नहीं है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। गाइस इसकी भी नोक निकालनी पड़ेगी। गाइस तो ये देख सकते हैं आप। गाइस अब हमें हल्की सी इंक यहाँ पर लगानी है, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने इंक लगा दी। तो गाइस अब देखिए आप मैजिक। गाइस ये आप देख सकते हैं इन 3, 2, 1 गाइस देखिए ये बन गई हमारी वर्ल्ड की सबसे छोटी बोट। गाइस ये बहुत देर तक चलती रहेगी। गाइस ये देख सकते हैं आप। तो गाइस अब हम इससे एक और चीज के साथ ट्राई करते हैं। तो गाइस ये एक सिंपल सा पेपर है लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये क्या बन गई बोट। वाओ गाइस इट्स अमेजिंग। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बोट कैसे बनाते हैं तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए, तो हम आपके लिए अगली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। तो गाइस हम इस बोट के ऊपर भी हल्के से इंक लगाते हैं यहाँ पर पीछे की साइड। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने इंक लगा दी है। और गाइस अब आप देखिए मैजिक, हम इसे पानी में छोड़ रहे हैं। तो गाइस देखिए हमारी बोट कैसे जा रही है। तो गाइस देखिए ये है कमाल की वीडियो। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए। गाइस देखिए हमारी बोट। आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो में मजा आया होगा और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। yeah!